मॉर्निंग क्लास फोर्थ, आपको SST का सेकंड लेसन पढ़ रहे थे। आज हम उसको खत्म करेंगे, आधा लेसन पढ़ा दिया था आपको हमने, जिसमें हमने आपको फिजिकल फीचर ऑफ द हिमालय की पढ़ाई तीन हिस्से थे। आज हम दूसरे पार्ट का हिस्सा पढ़ाएंगे जिसको हिमालयन रीजन कहते हैं। ये पेज नंबर 12 पर है। आप जरूरत है कि आप लाइव की नहीं ऑनलाइन की वीडियो को ध्यान से पढ़ें। विशेषकर हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि कान में लीड लगाओ और किताब रखो सामने, जो टीचर्स पढ़ाता है उसकी बात को सुनो समझो, आपको समझ में आने लगे। तो इसी तरह पेज नंबर 12 द हिमालयन रीजन से शुरू करते हैं। देयर आर थ्री मेन हिमालयन रीजन, यहां पर तीन हिमालय रीजन दिए गए हैं। पहला वेस्टर्न हिमालय, दूसरा सेंट्रल हिमालय और तीसरा ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय में देखते हैं हम क्या क्या मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो हमारा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था वो चीज, ठीक है ना। तो ये हमारा वेस्टर्न हिमालय। सेंट्रल हिमालय में क्या है, पार्ट ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। और ईस्टर्न हिमालय में क्या है, सेवन सिस्टर्स, वही सेवन सिस्टर का नाम हमने पढ़ाया था पहले, जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ये सेवन सिस्टर थे। ये भी हिमालय पर ही बसे हैं। तो इसमें हम ईस्टर्न हिमालय कहते हैं, ओके। अब आता है पीपल ऑफ द हिमालयन रीजन। अब जो लोग हिमालय रीजन में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, द हिमालय पासेस थ्रू द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट, नेमली हिमालय पर भारतीय जो राज्य बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, वेस्टर्न एंड नॉर्थन उत्तर प्रदेश है, एंड द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और पूरब के भी हिस्से हैं। लाइक द माउंटेन इज नॉट ईजी, ये ज्यादा सर्वसुगम नहीं है। पीपल मोस्टली लिव इन वैलीज, देयर हाउसेस आर मेड ऑफ वुड एंड हैव स्लोपिंग रूफ। मनुष्य हिमालय में रहता है लेकिन वैलीज में, दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है वहां पर अपनी झोपड़ी झोपड़ी बनाकर रहता है। पहाड़ों के ऊपर जस्ट नहीं रहेगा, टॉप पर नहीं रह पाएगा, ओके। तो जो लोग रहते हैं वो स्लोपिंग रूफ पर अपना बनाते और छत वगैरह ऐसी थर्मा बनाते हैं जिससे पानी बर्फ गिरे तो ढलक के नीचे आ जाए। पीपल वियर वार्म क्लॉथ, वहां के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, मोस्टली मेड ऑफ वूल एंड सिल्क, जो ऊन की और सिल्क के बने होते हैं, विच कीप देम वार्म, जो उनको गर्म रखने में सहायक भी होते हैं, एंड कंफर्टेबल इन द कोल्ड वेदर, और ठंडे मौसम में ही आरामदायक भी होते हैं। एग्रीकल्चर मेनली वियर इन द हैंडीक्राफ्ट आर दियर मेन ऑक्यूपेशन, ये मुख्य कार्य है उनके, जिनको करते हैं खेती बाड़ी, जानवरों का पालन, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, और भी बहुत से साधन हैं उनके बनाने। दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर लिविंग, लेकिन ये फिर भी निर्भर रहते हैं ज्यादातर जंगलों में। अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर आ गया, पहला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की, क्या विशेषता है, वैष्णो देवी आप लोग बहुत से लोग गए होंगे तो उसमें देखा होगा। इट इज द नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये उत्तर भारत का एक राज्य है, अब नहीं है, अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। इट हैज टू कैपिटल, इसकी दो कैपिटल हैं, एक श्रीनगर और एक जम्मू।
श्रीनगर सर्दियों गर्मियों में है और जम्मू हमारी सर्दियों में है, जब बर्फ गिरती है वहां पर। इसका कैपिटल ऑफ द समर श्रीनगर आ गई समर की, और एंड द जम्मू इज द विंटर सीजन, और जम्मू जो है वो सर्दियों की है। अब यह बताया भूल जा गया, द पीपल जम्मू एंड कश्मीर आर द नोन एज काश्मीरीज। जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको हम काश्मीरीज के नाम से जानते हैं। द स्पीक अब वह बोलते हैं कौन सी, कश्मीरी भाषा बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, लद्दाखी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, ऐसे लोग हिंदी बोलते हैं, वैसे ये सब तो बोलते हैं। मेन एंड वुमेन्स आर लॉन्ग क्लॉक कॉल्ड फेरम एंड दस दे आर कांगड़ी। अब जैसे लोग वहां पर जो पहन के लंबा कुर्ता दिखा है, एक ही कुर्ता पूरा कपड़ा ढका रहे शरीर को गर्म रखता है, अब कांगड़ी भी लटका लेते हैं गले में एक पट्टी सी जिसमें आग जलती रहती है, जिससे जो है अपना उनको सर्दी से बचाव कर सकते हैं। कांगड़ी टू कीप देमसेल्फ वार्म ड्यूरिंग विंटर, लेकिन ये सब सर्दियों में जा होता है। पीपल ड्रिंक ए स्पेशल काइंड ऑफ टी नॉन एस का कहावा, वहां पे एक विशेष प्रकार की चाय पीते उसको कहावा कहते हैं। देयर पीपल ड्रिंक इन राइस, वहां के ज्यादातर भोजन चावल है, पीपल खाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंकू एट हैंडीक्राफ्ट काश्मीर वुडन क्राफ्ट एंड सॉल एंड वर्ल्ड फेमस, ये संसार में फेमस है, यानी कि वहां के जो काम करते हैं लोग हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, कश्मीरी वुलन सॉल जो हमारे वर्ल्ड में सभी जगह फेमस है। अब दूसरा स्टेट है इसके अंदर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या हम देखते हैं, शिमला इज द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला हमारे यहाँ की राजधानी है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन पहाड़ी एंड, लेकिन पहाड़ी भाषा बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। द मेन टूरिस्ट सेंटर इज कुल्लू मनाली डलहौजी धर्मशाला एंड कौशली, ये हमारे टूरिस्ट प्लेस है, घूमने लोग जाते हैं। मोस्ट पीपल आर फार्मर्स, यहाँ पर किसान एंड ग्रू राइस या चावल मैच मक्का बैगनी बाजरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फल और सब्जियां उगाते हैं। मेन एंड वुमेन वाटर टॉप्स ऑफ पजामा, अब मनुष्य वहां का पहनता है, यानी औरत और आदमी पहनते हैं वो टॉप ऑफ पजामा बोला जाता है। मेन बियर एम्ब्रॉयडर्ड क्रॉप कैप कैप लगाते हैं, वुमेन बियर स्कार्फ बांधती हैं, कॉल्ड राजू राजू के नाम से जाना जाता। अब अपना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से टूटा हुआ राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड नैनीताल वगैरह हरिद्वार जो हैं हम लोग गए होंगे बहुत से लोग, वह उत्तराखंड में आते हैं, ये भी हिमाचल हिमालय का हिस्सा है। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, देहरादून वहां की राजधानी है। पीपल ऑफ देयर स्टेट स्पीक गढ़वाली कुमायूं एंड हिंदी, वहां के लोग गढ़वाली कुमायूं और हिंदी बोलते हैं। मेन बियर पजामा कुर्ता एंड टर्बन एंड वुमेन बियर इन स्पेशल ट्रेडिशनल रेंग वाला पिक्चुपरा, ये की वहां की पोशाक है पहनने वाली। एक गार्मेंट वॉट इन ए क्रमिनेशन और ज्वेलरी, गार्मेंट में ज्वेलरी फेमस है जो आप उसर पहनते हार वगैरह। मसूरी अब देखो यहां की घूमने के पर्यटक स्थल आ गए, मसूरी नैनीताल अल्मोड़ा आर द पॉपुलर हिल स्टेशन, ये हिल स्टेशन है फेमस। अदर फेमस टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज प्लेसेस और भी हैं, देखो हरिद्वार बद्रीनाथ
गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड रानीखेत, ये चार धाम हैं। बहुत से टूरिस्ट इसी दिनों जाते हैं घूमने के लिए। ऐसे ही अब अगला स्टेट है सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। गंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, गंगटॉक सिक्किम की राजधानी। कंचनजंगा इन सिक्किम इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। केटू जो है कंचनजंगा, वो हमारे इस संसार की जो चोटियां हैं, हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट पीक हमारी माउंट एवरेस्ट की, फिर कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट बोला गया इसमें। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है संसार। द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स ऑर्चर्ड ट्री, यहां पर सबसे ज्यादा ऑर्चर्ड ट्री मिलते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल वर बिलोंग टू लिपिचा, भूटिया और नेपाली ट्राइब्स। ये नेपाली ट्राइब्स, नेपाली की जैसे लोग हैं उस तरह के मिलते कहते हैं। वुमेन बियर बाहू एंड कलरफुल ज्वेलरी मेड इन बीड्स, यानी कि वुमेन डांस कपड़ा पहनती है, उसका नाम है बाहू, और जो कलरफुल ज्वेलरी की है। दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल इज पॉपुलर हिल स्टेशन। अब वेस्ट बंगाल में चले पश्चिम बंगाल में, तो वहां पे दार्जिलिंग एक सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन है। इट इज मेनली टी गार्डन, यहां पर बहुत से चाय के बागान है। विच प्रोड्यूस टी और गुड क्वालिटी, यहां पर सबसे अच्छी चाय भी उत्पन्न होती है। कोलकाता इज द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, कलकत्ता हमारे इस वेस्ट बंगाल की राजधानी है। द मेन फेस्टिवल ऑफ स्टेट ऑफ दुर्गा पूजा, यहां पर मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा के नाम से मनाया जाता है। तो ऐसे ही हमारे नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है उत्तर भारत के, इनको आप पढ़ना थोड़ा बहुत आएगा, ज्ञान होगा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 15 में, इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालय, हिमालय की महत्वता क्या है, महत्व क्या है। तो द हिमालय एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर ऑफ अवर कंट्री इन द नॉर्थ, ये हमारा उत्तर दिशा में हिमालय हमारा मुकुट ताज है, जिससे ये बैरियर बना है कि कोई भी हम पर हमला नहीं ढंग से जल्दी कर सकता है। दूसरा है दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर की तरफ से जो हवाएं ठंडी ठंडी आती हैं उसको भी रोक लेता है, हम तक आने नहीं देता। द चेक द मानसून कमिंग फ्रॉम साउथ एंड कॉसेस हैवी रेनफॉल, जो हवाएं आती हैं हिमालय से टकराई, मानसून आया टकराई, फिर लौट के हमारे यहां आ जाती हैं। हमारे दिल्ली में यानी उत्तर प्रदेश में वर्षा इसी कारण होती है, आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। द वाटर फ्रॉम द प्रीनेशन रिवर इज यूज फॉर इरिगेशन एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो पानी भी आया, गंगा का पानी है, जमुना का पानी है, सतलज का है, ये सब क्या है हिमालय नदी से निकल, हिमालय की है, गंगोत्री से गंगा है, यमुनोत्री से यमुना है, ये सब निकली नदियां, ये सब हिमालय से बर्फ जब निकलती है तो नदी का रूप बना लेती है। फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस प्रोवाइड वैल्यूएबल वुड एंड हर्ब्स, अब देखो रामायण में हनुमान जी जड़ी बूटी लेके आए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो वो कहां से लाए, हिमालय से, तो वो ही बोल रहा है हिमालय में बहुत कीमती कीमती लकड़ी हर्ब्स जड़ी बूटियां मिलती हैं। देयर आर मेनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द हिमालय फॉरेस्ट, यहां पर जंगली जीवन भी है, बहुत से प्रकार की अजीब अजीब सी जानवर भी हमको देखने को मिलते हैं जो कभी नहीं देखते, वो अब देख सकते हैं हिमालय रीजन में, लेकिन इस समय तो खत्म हो गए लगभग। तो देयर आर मेनी हिल स्टेशन, इस पर हिल स्टेशन भी बने हैं लोकेटेड एमिडिट इन द हिमालय फॉर टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड,
संसार के लोग सभी वेद में आते हैं। द हाई पीक ऑफ द हिमालय आर द सोर्स ऑफ एडवेंचर ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब देखो माउंट एवरेस्ट पर कितने लोग विदेशी लोग चढ़ते हैं, वहां पर अपने घूमने के लिए जाते हैं, तो ये सब क्या है, हिमालय की देन। तो ये चैप्टर आपका यहां खत्म हो गया। हम आपके क्वेश्चन आंसर दे देंगे कल या परसों में, वो आप अपना याद कर लेना और इसका थ्योरम जरूर पढ़ा करो।